जम्मू कश्मीर की फटाफट से करते हैं, क्योंकि आज तंगधार से एक खबर सामने आई। जब जम्मू कश्मीर के तंगधार में एक जवान शहीद हो गया, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश नाकाम हमारी सेना लगातार करती रही है। एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। नियंत्रण रेखा के तंगधार सेक्टर में एक संदिग्ध गतिविधि नजर आई, जिसके बाद गोलीबारी हमने देखी कि गोलीबारी वहां पर हुई। सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दुखद खबर, तंगधार में एक जवान शहीद हुआ है। फिलहाल घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया है। खबर इस वक्त की हम आपको बड़ी बता रहे हैं, जानकारी इस वक्त की बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के तंगधार से ये खबर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, और घुसपैठ लगातार पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जाती रही है, और पाकिस्तान इस फिराक में रहता है कि किस तरीके से घुसपैठ की जाए और किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जाए। फिलहाल आपको ताजी जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम हमारी सेना बखूबी करती है, और हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम समय समय पर देखने को भी मिलता है। लेकिन उस वक्त की ताजी जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दुखद खबर यह है कि एक जवान के शहीद होने की खबर आई। हालांकि थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तो आपको और भी जानकारी देंगे किस तरीके से इस वक्त हमारी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है, क्योंकि तकरीबन आज की सब खबर सुर्खियों में रही है। जब जम्मू कश्मीर के तंगधार से जानकारी मिली कि घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और सेना की तरफ से उसे नाकाम बनाने की कोशिश की गई, गोलीबारी भी देखने को मिली वहां पर, लेकिन सेना की तरफ से सिचुएशन को संभाला गया और एक साहिल समीम इस वक्त में ऐसा जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। साहिल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर। क्या जानकारी आप देंगे साहिल, क्योंकि खबर इस वक्त है एक जवान शहीद हुआ है, लेकिन सेना की तरफ से कोशिश की गई और घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है, उसे नाकामयाब बनाया गया है, और क्या जानकारी आपके पास है, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? जी हरेश, मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन दोपहर शब 4 बजे के करीब जो है सरहदी जिला कुपवाड़ा के टंगडार इलाके में जो है एक इंफिल्ट्रेशन भीड़ वहां पर हुई है, तो वहां पर जो है फौज ने उसको नाकाम बनाया है। हालांकि इस मुठभेड़ में जो है वहां पर एक फौजी जवान जो है उसको वो भी जहाँ बात हुआ है, और एक दरंदाज जो है उसको भी हलाक किया गया। हालांकि इस दरंदाज से जो है काफी मात्रा में जो है वहां पर गोला और जो असला है वो गोला बारूद जो है वो रिकवर किया गया है। हालांकि बाड़ी को भी रिकवर किया गया है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस तंजीम से है, इसका नाम अता पता क्या है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार वहां पर जारी है, और ये टंगदार का एलओसी का इलाका है जहां पर ये आज रात के तकरीबन 4 बजे के करीब वहां पर जो है ये मुठभेड़ हुई है, ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है, और ये इन्फिल्ट्रेशन जो है बाद में फिर इनकाउंटर में तब्दील होगी। जी ठीक है साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल सेना की तरफ से लगातार कोशिश की जाती रही है कि जो घुसपैठ की कोशिश आतंकी करते हैं उसे नाकामयाब बनाया जाए, और ऐसा होता भी है, सेना कामयाब रही, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। लेकिन एक दुखद खबर, जब हमारा एक जवान शहीद हो गया है। फिलहाल ताजी जानकारी आपको पहुंचा रहे थे हमारे संवाददाता, अभी भी सर्च ऑपरेशन कहा जाता है कि जारी है। बढ़ते हैं आगे।